हाँ तो भाई लोग कैसे हो, तो कैसे अब तो आप समझ होंगे। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक न्यूज लगे, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। ओके भाई, तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के बारे में। वैसे हम रोज ही माइनक्राफ्ट के बारे में ही बात करते हैं, ये बात आप सबको पता होगी, और नहीं पता तो मैंने अभी बता दी। ओके, तो भाई इस वाले चैनल पर आप सबको मिलती है माइनक्राफ्ट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियोस। अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो और माइनक्राफ्ट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो, वैसे नहीं बोल रहा, आप सब चैनल पर जाइए, वीडियोस देखिए, आप सबको जरूर पसंद आएगी। ओके, तो भाई आज मैं एक ऐसे एडोन के बारे में बात करने वाला हूँ जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ओके, तो नेदर क्या है? नेदर पर नेदर होता है माइनक्राफ्ट का एक तरह से बहुत ही घटिया जगह होती है माइनक्राफ्ट की नेदर। ओके, जब से नेदर अपडेट आया ना उसके बाद इसका हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। ओके, तो मैं आपके लिए आज इसका एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ, छोटा सा सॉल्यूशन। ये एडोन इसी के ऊपर है, अगर आप इस एडोन का यूज़ नेदर में करोगे तो आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। रियली एंड तक देखना वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा आप सबको मज़ा आने वाला है वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो मैं आ गया हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर और मेरे पास अभी 1.16.40 ये भी लेटेस्ट वर्जन है माइनक्राफ्ट का जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके, तो आप ये कुछ नहीं करना, आप जिस वर्ल्ड में इसको अप्लाई करना चाहते हैं आपको जाना है प्ले में। अभी मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक न्यू वर्ल्ड, अब मैं करूँगा इसको क्रिएटिव में। आप सभी क्रिएटिव में नहीं रखना है, इसको सर्वाइवल में रखना है। किसी भी वर्ल्ड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ नीचे जाना है एडवांस में, आप सभी यहाँ पर माई पैक्स में जाना और इसको ऐड कर देना। इस एडवांस का नाम है नेदर बोट। ओ भाई, नेदर बोट समझ सकते हो कितना मज़ेदार होने वाला है। नेदर बोट यहाँ से ऑन करना, आपके अचीवमेंट्स ऑफ होगी, ये बात आप सबको ध्यान रखना है, और अपना वर्ल्ड को क्रिएट करना है। तो आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि बोट मिलने वाली है नेदर में। आप सबको पता है नेदर में आप बोट का यूज़ कर नहीं सकते, वहाँ पर बहुत सारा लावा होता है, तो लावा से आप सभी बच नहीं सकते इतने, मतलब बच सकते लेकिन इतना आसान नहीं है लावा से बचना भैया। आप सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लावा से बचने के लिए। तो भाई अब मैंने बहुत काफ़ी अच्छा तरीका बता दिया, आप अब लावा में फिर सुधर जाने के लिए लावा में आप बोट का यूज़ कर सकते हो। रियली बहुत अच्छा है यार। तो आप मैं भी बना रहा हूँ पोर्टल ताकि मैं उधर जा सकूँ, मतलब नेदर में आप सबको जाके दिखा सकूँ कि बोट नेदर में किस तरह से चलने वाली हमारी। तो इस तरह से बनता है एक नेदर पोर्टल, शायद मैं सही बना रहा हूँ इसको। ये बन गया भैया। ओके, तो बन चुका ही है फाइनल। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको फ्लिंट एंड स्टील चाहिए। चलते हैं नेदर के अंदर। ओके, बिल्ड एंड अभी हमारा नेदर जनरेट। ओके, मैं अच्छी जगह, ओ ओहो वाओ, क्या अच्छी जगह स्पॉन किया ना। गिर ही जाता हुआ यार। तो ये मैं आ गया, देखो आप सबको पता है नेदर अपडेट जब से आया तो नेदर में भी आप सबको ट्रीज मिलेंगे अब। रियली सच बात है ये, आप सबको नेदर में भी ट्री मिलेगा। तो देखो नेदर की बहुत सारी वुड है, तो मैं उसे दो वुड लेने वाला हूँ। एक मेरे को क्राफ्टिंग टेबल चाहिए क्योंकि आप सबको बताना था बोट बनेगी कैसे, तो आपको लेना है क्राफ्टिंग टेबल। एक आपको शोल चाहिए, शोल नॉर्मल बोट बनाने भी शोल लगता है, तो इसमें भी लगेगा। ओके, तो आपको इस तरह से रखना है क्राफ्टिंग टेबल, अंदर जाना है, आपको इस तरह से रखनी है ये वुड और इसके अंदर रख देना है एक शोवल। ओके, बन चुकी है हमारी बोट, एक इस वाले वुड से बना लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ से इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, इस वाले वुड से भी एक मैं बना लेता हूँ। अबे तू कहाँ आ रहा है, यहाँ पर रखनी है आपको एक ये। ओके, बन चुकी है हमारी, दो बोट बना ली मैंने। रियली आप सभी देख सकते हो दो बोट बना ली। अब आपको जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे इसको रखना है। ओके, मैं इसको रख देता हूँ। अरे अरे भाई, ग्रेवल है, गिर रहा ग्रेवल। ओके, मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, देख सकते हो। आप सोच रहे हो भाई अरे ये तो लावा में डूब रही है, लेकिन लावा में कुछ नहीं होगा, आप सभी को देख सकते हो। अब देखो मैं करने वाला हूँ इसको सर्वाइवल में। आप सोच रहे हो भाई लावा के अंदर डूब रही है बोट, लेकिन आपसे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अभी फायर से ढली हुई है, मतलब फायर से एक्टिवेट हो जाती है जब इसमें आप बैठते हो। ये भाई बहुत अच्छा, देखो इसमें ये अच्छा है ना, ये काफ़ी अच्छा। आप सबको बोट को एक ही बटन से आप बोट को हैंडल कर सकते हो। माइनक्राफ्ट में बोट ऐसी होनी चाहिए नॉर्मली, देख सकते हो, एक बटन से आप जिधर आप मूव करते हो तो आपकी बोट मूव होती है। ये काफ़ी अच्छा है, और जो नॉर्मल बोट होती है उसको चलाने के लिए आप सबको दोनों बटन यूज़ करना पड़ता है। ओके, दूसरी बार में आ गया मैं। ये देखो, ये देखो, अब देखो इधर मैं उतर जाता हूँ और दोबारा इस बोट पे हम चढ़ेंगे। ये उतर गया मैं, अब दोबारा से इस पे चढ़ेंगे। अरे तू कहाँ बैठा यार, और देखो 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 देखो, अरे कहाँ फंस गया मैं। ओके, हमारी बोट शायद फंस चुकी है। ओके, ओके निकल गई निकल गई निकल गई। ये देखो आपसे कुछ जलोगे नहीं, आपसे फायर इसमें कुछ नहीं होगा आपसे। तो ये कमाल का एक एडोन यार, आपसे भी नेदर में अगर आप जा रहे हो तो इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। ओके ओके, वो देखो वो निकल लिया, अरे वो उसके ऊपर बैठ के निकल लिया यार, मस्त मस्त यार।
अरे किधर इसका मुंह? ओके तो यार ये कहाँ पे जा रहा है? अरे ये देखो, वाह यार किधर गया? अरे एक दूसरे पे आ गई बोट। ओके अब तो मैं मरूंगा आपसे, वो पता है, क्योंकि बोट थोड़ी दूर चली गई, आपसे वो पता है मैं मरूंगा। तो ये सब है, आपसे भी इसका यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन से में दिए गए लिंक से इस वाले एड ऑन को डाउनलोड कर सकते हो, करना चाहते हो तो। ओके तो काफ़ी अच्छा एड ऑन है, और आज के वीडियो को लाइक कर देना इसे एड ऑन के लिए एक। ओके और ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चल मैं आपको माइंड क्राफ्ट या किसी और गेम का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।